हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए PGDCA सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ASP.NET। ठीक है, तो ASP.NET के अंतर्गत जो सिलेबस है उसके अनुसार कैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत ASP.NET में प्रैक्टिकल कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर लास्ट तक देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो अभी हमने क्या है एक चीज़ बता दी कि लाइव क्लास की थी, उसमें हमने बोला था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ASP.NET से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाइए। तो ASP.NET के अलावा इसके साथ में एक और इलेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा, ये है PGDCA से सेकेंड में। तो उसकी तो हमने नोट्स बनाए थे PDF, उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दी हुई है, लेकिन ASP.NET के बारे में नोट्स हमने नहीं बना पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सेंटर में भी नहीं था, इस सब्जेक्ट को किसी ने लिया, आगे चल के देखते हैं बना देंगे। तो अब यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने निकाला हुआ है सिलेबस के अनुसार, उसको बतलाते हैं, इंग्लिश में टाइप किया हुआ है, हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, सारी चीज़ें कैसे पढ़ना है उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में टोटल दिया गया है, देखिए HTML के बारे में, HTML क्या है, HTML के कोई 10 टैग समझाइए। तो इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग, PGDCA से सेकेंड वालों ने ये पेपर ही दिया है, तो आप लोगों ने HTML की तो पूरी तैयारी की हुई थी। हमारे भी YouTube चैनल में पूरे HTML के 10 वीडियो अपलोड किए हमने, तो हमारी YouTube चैनल में जाके देखिए, पूरे 10 वीडियो हैं, सभी टैग्स के बारे में बतलाया है, सभी टैग्स को एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल कोडिंग सहित रन करके, तो उसको अच्छे से देख लीजिए जा करके। तो इस यूनिट में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि HTML क्या है, कोई 10 टैग बतलाइए, या HTML में लिस्ट टैग और टेबल टैग के बारे में समझाइए, या इस यूनिट में पूछा जा सकता है फ्रेम टैग और फॉर्म टैग, क्योंकि अलग से ये टॉपिक है, तो फ्रेम टैग और फॉर्म टैग के बारे में बतलाइए। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से विथ प्रैक्टिकल समझाया हुआ है अपने चैनल में, वहां से जाकर के देख लीजिए और आपको ये पूरी यूनिट का आंसर मिल जाएगा। इंटरनेट वाला आप PDF उठा लीजिए, इंटरनेट वाली PDF में पूरा इसका आंसर दिया गया है। सेकेंड यूनिट से स्टार्ट होता है ASP.NET के बारे में। तो ये ASP.NET जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बनाई गई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा की वेबसाइट बनाई जाती है और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। वैसे तो विजुअल स्टूडियो को बहुत सारे वर्जन आ गए, एडवांस वर्जन विजुअल स्टूडियो 12 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया है, फिर भी आप अगर ASP.NET के बारे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसका कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में है विजुअल स्टूडियो 2008, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्लिक करना है इस पर, तो ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन भी बतलाते हैं। अब उसके बाद चूंकि यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या लिखना है, ASP.NET क्या है, इसकी विशेषताएं बतलाइए, वही हम बतला रहे हैं। ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक वेब टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा की वेबसाइट बनाई जाती हैं। MP ऑनलाइन, मध्य प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है MP ऑनलाइन, पूरा ASP.NET में बना हुआ है। और अगर आपसे ASP.NET अच्छे से आती है तो भोपाल में TCS कंपनी पूरा जो है MP ऑनलाइन को बनाती है, डेवलप करती है, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ASP.NET को MP के PGDCA के सिलेबस में रखा गया है कि लोग ASP.NET सीखें, क्योंकि इतना बड़ा पोर्टल है, हमेशा उसमें रिक्वायरमेंट रहती है डेवलपर्स की, तो PGDCA वालों को भी ASP.NET बनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से तेजी से जो है वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसका फुली फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP.NET के पहले ASP चलता था जिसको क्लासिक ASP बोलते थे। अब यदि आपको ASP.NET में काम करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको न्यू वेबसाइट ऑप्शन पर। ठीक है, न्यू वेबसाइट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ASP.NET वेबसाइट, और आपको इसको कहाँ सेव करना है, तो बाय डिफॉल्ट पाथ दिखलाई दे रहा है, आप चाहें तो पाथ चेंज भी कर सकते हैं, ओके बटन में क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आप ASP.NET में नई वेबसाइट जो है बना सकते हैं।
तो ये अभी हमारे सामने जो है वेब फॉर्म आ जाएगा। विजुअल स्टूडियो में दो प्रकार के एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, एक होता है विंडो एप्लीकेशन जो एक ही कंप्यूटर में चलता है, और एक होता है वेब एप्लीकेशन जो कि ब्राउजर में चलता है और इसे हम इंटरनेट में अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एनवायरमेंट में टूल बॉक्स दिया गया है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर दिया गया है, जो भी आपके वेब पेजेस हैं वो सब यहाँ पर आप जोड़ते जाइए वो सारे दिखते जाएंगे। यहाँ पर आपको डिज़ाइन व्यू दिखता है, यहाँ पर आपको इसका सोर्स व्यू दिखता है। तो इसलिए फर्स्ट यूनिट में जो है HTML सिखाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिज़ाइन में HTML ही करना पड़ता है। उसके बाद ये डिज़ाइनिंग रही आपकी, ठीक है, डिज़ाइन वाला पार्ट ये है और कोड वाला पार्ट ये है। तो यहाँ से आपको ASP.NET के बारे में लिखना है। ASP.NET के कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये ASP.NET के कंट्रोल्स ही हैं। यदि आपको यहाँ पर एक देखिए, हमको यहाँ पर एक छोटी सी डिज़ाइन बनाना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए क्लाइंट कंट्रोल, ये टेबल कंट्रोल को हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक। इसके लिए जो है तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप इसके लिए स्पीड थोड़ा सा सही होनी चाहिए। ये देखिए ये हमने कौन सा कंट्रोल रख लिया, यहाँ पर टेबल कंट्रोल रख लिया। टेबल कंट्रोल में अब आपको मालूम है कि टेबल में क्या बनाते हैं, अंदर TR बनाते हैं, है ना, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर TR जो है क्लोज होता है। तो ऑटोमेटिक जब हम ओपन करेंगे देखिए TR क्लोज हो गया। फिर इसके अंदर क्या आता है, TD आता है। ASP.NET में इसको बोलेंगे हम क्लाइंट साइड कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल बोलेंगे, क्लाइंट साइड कंट्रोल। अब हम यहाँ पर टेबल क्यों बना रहे हैं, टेबल इसलिए बना रहे हैं ताकि इसके अंदर एक डिज़ाइन जो है वो हम बना सकें। एक TD लिया हमने, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पूरी को कॉपी किया हमने और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, दूसरी रो तीसरी रो, ठीक है। अब इस TD के अंदर हम जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, देखिए टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने, और इसी प्रकार से हम दूसरी TD के अंदर आएंगे, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने, इसी तरीके से हम तीसरी TD के अंदर आएंगे और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यही काम आप इसके डिज़ाइन व्यू में भी जा करके कर सकते हैं, यही काम इसके आप डिज़ाइन व्यू में भी जा करके कर सकते हैं, जो काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर टेबल डिज़ाइन की जा सकती है। टेबल डिज़ाइन करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो भी कोडिंग लिखनी है, जो भी कोडिंग लिखनी है, अभी यहाँ पर एक एरर आ रही, तो अभी हम एक काम करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं और सिंपल हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल एंटर नेम, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर फादर नेम। तो इस तरीके से इसमें जो है कंट्रोल्स वगैरह रखे जाते हैं। जब डिज़ाइन व्यू में आएंगे आप तो यहाँ पर आपको वही कंट्रोल्स डिज़ाइन में दिखलाई देंगे। वहाँ पर टेबल में इसलिए बना रहा था ताकि ये चीज़ें एक के नीचे एक बराबर फॉर्म में आए। अब जब इस तरीके से ये वेब पेज डिज़ाइन कर लिया, रन करके देखना, राइट क्लिक करेंगे व्यू इन ब्राउज़र और यस कर देंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल की देखिए किस में चल रहा है, लोकल होस्ट में चल रहा है ये, और ये देखिए तो छोटा सा आपने एक वेब पेज बना लिया, यही कहलाता है ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस। अब यहाँ पर यदि आप बटन कंट्रोल रखते हैं ताकि आप जो भी यहाँ से एंटर करें डेटा, वो कहाँ सेव हो जाए, डेटाबेस में, जो डबल क्लिक करके आपको यहाँ पर C# में या VB.NET में कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये इसका हो गया आपका, इसको आप बोल सकते हैं इसका डिज़ाइन व्यू, इसका यहाँ पर ये भी डिज़ाइन व्यू कहलाएगा जहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं, और ये हो गया इसका कोड व्यू। इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ASP.NET। तो यहाँ पर कंट्रोल्स के बारे में बतलाना, तो देखिए कौन कौन से कंट्रोल हैं, ये सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से आपके क्लाइंट कंट्रोल होते हैं, कौन कौन से सर्वर कंट्रोल होते हैं, ये पूरे कंट्रोल्स आपको समझाने होंगे। इसके बारे में और हम बतलाते हैं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला दें। यहां पर देखिए वेब फॉर्म और IIS क्या होता है, तो जब हम अपने वेब पेज को रन करते हैं तो ये लोकल होस्ट में रन हो रहा है, इसी प्रकार से इसको हम IIS में भी रन कर सकते हैं। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। और यहां पर
जो हम ये फॉर्म डिज़ाइन करते हैं इसको बोलते हैं वेब फॉर्म। वेब फॉर्म में ही हम कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखते हैं और जब हम इसे रन करते हैं तो आउटपुट हमें वेब ब्राउज़र में दिखलाई देता है, इसे बोलते हैं वेब फॉर्म। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, हाउ टू ऐड कंट्रोल इन वेब फॉर्म। वेब पेज में कंट्रोल्स कैसे ऐड करते हैं, तो वेब पेज में कंट्रोल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं या यहाँ से आप इस तरीके से कोडिंग करके भी कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में आता है तो डायग्राम भी बनाया जा सकता है और सोर्स कोड को भी लिखा जा सकता है। अब चलते हैं यूनिट थर्ड में, वैलिडेशन कंट्रोल के बारे में बताइए, कैलेंडर एंड ऐड रोटेटर कंट्रोल के बारे में बताइए और डेटा एडाप्टर और डेटा सेट क्या होता है। तो यहां पर आपको बता दें कि कंट्रोल्स, यहां पर आपको ये देखिए ऐड रोटेटर कंट्रोल है, कैलेंडर कंट्रोल है, इसी तरीके से आपको ये देखिए वैलिडेशन ग्रुप के अंतर्गत वैलिडेशन कंट्रोल मिलेगा, ठीक, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनका प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसके अलावा डेटा एडाप्टर और डेटा सेट का यूज क्यों किया जाता है, चलिए वो बतला देते हैं। डेटा एडाप्टर का यूज किया जाता है डेटाबेस से वैल्यू को जो है यूजर जहां पर वर्क कर रहा है, जैसे आपको लाना है कहां तक, क्लाइंट मशीन तक, तो डेटा को डेटाबेस से क्लाइंट मशीन तक लाने के लिए डेटा एडाप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाता है उस लाए हुए डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। टेम्परेरी स्टोर करने के बाद ही उस डेटा को यूजर जो है टेक्स्ट बॉक्स में देख सकता है या ग्रिड व्यू में देख सकता है, उसकी जिस भी रिक्वायरमेंट है जहां पर भी वो डेटा को देखना चाहता है वो डेटा को देख सकता है। इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली डिटेल में भी बतलाया जा सकता है लेकिन अभी समय कम है और देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी और कितना अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाए। डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिट 4 से। तो डेटाबेस से फ्रंट एंड तक, बैक एंड से फ्रंट एंड तक डेटा को लाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसे डेटाबेस प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें डेटा एडाप्टर का इस्तेमाल होता है, डेटा सेट का इस्तेमाल होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। डेटा बाइंड कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, तो जिसके द्वारा डेटा जब बैकएंड से आता है और डेटा हम जिसमें टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं उसको बोलते हैं डेटा बाइंड कंट्रोल, ये डेटा ग्रिप में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रिड व्यू कंट्रोल, एक होता है आपका ग्रिड व्यू कंट्रोल, ये देखिए ये ग्रिड व्यू कंट्रोल है। डेटा लिस्ट, डिटेल्स व्यू, फॉर्म व्यू, लिस्ट व्यू, रिपोर्ट व्यू, ये सारे आपके डेटा बाउंड कंट्रोल कहलाते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे करेंगे रिकॉर्ड, तो आपको इसी तरीके से एक वेब पेज बनाना है, इसमें आपको बटन रखना है इंसर्ट अपडेट डिलीट की और पूरी कोडिंग करनी है इंसर्ट अपडेट डिलीट की। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इंटरनेट में, आप देख सकते हैं। फिफ्थ यूनिट में XML क्या है, एक्सटेंड अप मार्कअप लैंग्वेज, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जब डेटा सेट का इस्तेमाल, डेटाबेस का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता था उस समय, फिर XML का इस्तेमाल अभी किया जाने लगा। XML वैलिडेशन क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या होती है और स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। तो यूनिट फिफ्थ में ASP.NET इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज और बतला दें, हमने एक वेबसाइट देखी vccfalana.com, इसमें जाकर के आप ऑनलाइन भी ASP.NET के बारे में पढ़ सकते हैं। ASP.NET क्या है, ASP.NET की वेबसाइट जो है हिंदी में लिखा है फीचर्स, ठीक है, लिंक और अजैक्स क्या है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आपको ASP.NET की क्या है, ASP.NET के बारे में देखिए बहुत कुछ डिटेल में मैंने देखा इसमें, हाउ ASP.NET वेब फॉर्म वर्क्स, कैसे वर्क करते हैं, हिंदी में लिखा है। इन ट्यूटोरियल्स को पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से ASP.NET काफ़ी कुछ लिखने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा देखिए ASP.NET की एक PPT भी मिली है स्लाइड शेयर में, इसको हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है। ASP.NET वेब पेजेस दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक स्टैटिक वेब पेजेस, डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेज जैसे यूनिट फर्स्ट में दिया गया HTML में आपने जो वेब पेज बनाया उसको स्टैटिक वेब पेज बोलेंगे, और डायनेमिक वेब पेज जिसका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो और जिसका डेटा बदलता हो उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेजेस। और ASP.NET का इस्तेमाल करके डायनेमिक वेब पेजेस बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग किस प्रकार की होती है वेब पेजेस की, वेब पेजेस की कहां रखा जाता है, ये HTML के फॉर्म में या ASP.NET के फॉर्म में, ये सर्वर में रखा जाता है। जब हम अपने कंप्यूटर से क्लाइंट मशीन में बैठ करके ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर में और सर्वर रिस्पॉन्ड करके वेब पेजेस को दिखला देता है, ठीक है। तो ये आपने इंटरनेट में भी पढ़ा हुआ है। ASP.NET क्या है, ASP.NET एप्लीकेशन के अंतर्गत वेब फॉर्म्स आते हैं, यूज टू प्रोसेस फॉर्म्स एंड डेवलप क्रॉस ब्राउजर एप्लीकेशन, यूज .espx फाइल एक्सटेंशन। तो जो ASP.NET की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .espx। वेब सर्विसेज बनाई जाती हैं, अदर एप्लीकेशन कैन इंटरेक्ट विथ योर प्रोग्राम यूजेस .asmx फाइल एक्सटेंशन।
ठीक है, तो इस स्लाइड में भी दिया गया, देखिए HTML सर्वर कंट्रोल, ASP.NET सर्वर कंट्रोल, तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। कंट्रोल्स के बारे में हमने तो पढ़ा भी हुआ है, तो इस स्लाइड को भी आप देख सकते हैं। हालांकि इससे बढ़िया तो यही है आपका, इसकी थ्योरी को आप पढ़ लेंगे, वेबसाइट ये रही आपकी, यहाँ से देख लीजिए लिंक को, है ना, और ऐसी टाइप करके निकाल सकते हैं, या वेबसाइट को टाइप करेंगे, कैटेगरी में जाएंगे, कोर ASP.NET वेब फॉर्म विथ C# मिलेगा, यहाँ से जा करके भी आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ASP.NET जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोशिश रहेगी कि इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल हम बना पाएं, लेकिन अभी हमारे साथ इसके बाद फिर कोरल ड्रा का भी बनाना है, IG ट्रेन का भी बनाना, बहुत सारे सब्जेक्ट का बनाना है, इसलिए मैंने आपको ASP.NET से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बतलाए हैं, इनकी तैयारी कर लीजिए, बाकी कंफ्यूज जो है वो मत होइए, इसी प्रकार के सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इन्हीं की तैयारी आप कर एग्जाम में जाइए।